अब पप्पू यादव को हराने के लिए राजद जो है वो कांग्रेस से अपील कर रही है कि राहुल गांधी पूर्णिया में आकर पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार करे और तेजस्वी यादव के साथ ज्वाइंट एक रैली करे अगर ज्वाइंट रैली पूर्णिया में हो जाती है तो फिर राहुल गांधी आकर अगर ये कह देते हैं कि भैया पप्पू यादव हमारे उम्मीदवार नहीं हैं हमारी उम्मीदवार बीमा भारती हैं तो लोगों के अंदर ये बात चली जाएगी कि पप्पू यादव कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है अभी अगर आप पूर्णिया में जाएंगे तो पूर्णिया में पप्पू बनाम संतोष कुशवाहा है या फिर संतोष कुशवाहा बनाम पप्पू है वहाँ पर बीमा भारती दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही हैं और इसी चीज़ को सुलझाने के लिए इसी चीज़ को ठीक ढंग से समझाने के लिए जनता को बताने के लिए कि पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार हैं कांग्रेस की उन्होंने सदस्यता ली कांग्रेस में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया लेकिन फिर भी वो निर्दलीय उम्मीदवार अपनी पेश कर रहे हैं बीमा भारती इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है देखिए पप्पू यादव से बदला लेने के लिए राजद संभव प्रयास कर रहा है लालू यादव भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं और पूर्णिया में पप्पू यादव की जीत ना हो दूसरे चरण में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है और दूसरे चरण में पप्पू यादव की जीत ना हो जाए पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से राजद अपील कर रहा है कांग्रेस से कि भैया राहुल गांधी को बिहार बुलाइए पहले चरण में कोई अपील नहीं है क्योंकि पहले चरण में सब राजद के उम्मीदवार हैं दूसरे चरण में भी राजद के उम्मीदवार हैं लेकिन फिर भी पूर्णिया से पप्पू यादव को हराने के लिए राजद के उम्मीदवार का चुनाव प्रचार करने के लिए राहुल गांधी को बुलाने की बात कही जा रही है पप्पू यादव से लालू यादव और तेजस्वी को इतनी दिक्कत है कि भैया कुछ भी हो जाए जीतने नहीं देना है आप अभी पूर्णिया में जाएंगे तो पूर्णिया का माहौल ऐसा है कि बीमा भारती का नाम उनके क्षेत्र जिस क्षेत्र से वो विधायक है क्षेत्र की जनता भी सुनना नहीं चाहती वो कहती है कि अरे विधायक बन के तो वो कुछ किए ही नहीं है सांसद बन के क्या करेंगे रुपौली विधानसभा से वो विधायक हैं और क्षेत्र की जनता भी पप्पू यादव का नाम ले रही है और ये बात राजद बखूबी समझ चुकी है और इसीलिए राजद ऐसा कर रही है कि पप्पू यादव को चुनाव हराया जाए और इस चुनाव हराने में राहुल गांधी का सहयोग लिया जाए और राहुल गांधी से भी अपील की जा रही है कि आप आइए पूर्णिया में और चुनाव प्रचार करिए बताइए जनता को कि राहुल गांधी निर्दलीय अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं पहले कांग्रेस के तरफ से पप्पू को लगातार लास्ट अल्टीमेटम दिया गया धमकियाँ दी गई कि आप अपना जो उम्मीदवार है वो वापस ले लीजिए पर्चा वापस लीजिए नॉमिनेशन वापस लीजिए लेकिन पप्पू यादव ने कह दिया मर जाएंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे कुछ भी हो जाए और उन्होंने अपना पर्चा वापस नहीं लिया नामांकन वापस न ना लेने की वजह से कांग्रेस भी अब पप्पू यादव से खफा है लेकिन फिर भी जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पप्पू यादव के साथ खड़े हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव के साथ गलत हुआ है और इसीलिए राजद अब ये प्रयास कर रहे हैं कि एक बार राहुल गांधी यहाँ आ जाए पूर्णिया में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने मुँह से ये बता दें कि भैया पप्पू यादव ने कांग्रेस के साथ भी गलत किया है आप उन्हें वोट ना दें अब आगे देखिए क्या होता है राहुल इस खबर में इतना ही बन रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप